सच का साथ देने की हिम्मत नहीं थी मुझ में। आपको मेरी मां है ना, आपको मेरी बेबसी, मेरा खालीपन, मेरी अधूरी जिंदगी नजर नहीं आ रही? मुझे नहीं समझना तुम्हारी किसी बात को नहीं समझना। काश काश तो पैदा होते ही मर जाते, या पैदा ही ना होते। इस घर की बर्बादी हो तुम, इस घर के एक एक फर्द की जिंदगी तुमने बर्बाद की है। आफरीन की जिंदगी, मुर्तजा की जिंदगी, सोफी की जिंदगी, मेरी जिंदगी और अफशा की जिंदगी, उसके शौहर को तुमने मारा, उसके बेटे को अपाहज तुमने किया। बहुत ज्यादती है नूरम, जिंदगी मौत भी आपने मेरे जिम्मे लगा दी। बस सिर्फ एक हादसा था, शायद आप भूल रही हैं। नहीं, नहीं था वो हादसा, वो तुम्हारी लापरवाही थी। कातिल हो तुम फरहान की, और आज मैं अफसोस कर रही हूं कि काश काश फरहान की जगह तुम मर जाते। जितनी जल्दी हो सके इस घर से, मुझसे, हमेशा के लिए दूर कर लो अपने आप को। एक दिन ये सब आप मेरी नजर से जरूर देखेंगे, और तब आपको एहसास होगा कि मैं इतना गलत नहीं था। नहीं वो मैं मम्मी, कहाँ जा रही हैं आप? इस घर में सबको लगता है कि सब ठीक है, बस मैं ही गलत हूं, तो मैं ये घर छोड़कर जा रही हूं। मम्मी आप ये कैसी बातें कर रही हैं? ये घर, हम सब, यही आपकी दुनिया है, आप ऐसी बात कर भी कैसे सकती हैं? शाहजेब कहता है कि उसने मेरी खुशी की खातिर ये गुनाह किया। आफरीन कहती है कि मेरी वजह से वो चुप रही और उसने ये गुनाह किया। और मुर्तजा वो कहता है कि सब लोग मेरा नाम ले लेकर उसे ब्लैकमेल करते रहे, तो फिर कसूरवार तो मैं निकली ना, मेरा ही कसूर है। और शायद सब ठीक ही कह रहे हैं, मेरी ही परवरिश में खोट होगा जो सब के सब मेरा नाम लेकर मेरे ही सामने खड़े हो गए। लेकिन मुझ में अब इनकी शक्ल देखने की हिम्मत नहीं, इसलिए मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ।